अब वैसे तो मैं सभी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ, लेकिन ये वाली वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी वीडियो से आपको नॉलेज तो मिल जाती है, लेकिन रह जाते हैं आपके कुछ सवाल जो आप हमसे हमेशा पूछना चाहते हैं। लेकिन भाई रोज वीडियो बनाना, एडिट करना और फिर ये सोचना कि कल क्या वीडियो बनाना है, उसमें मैं उलझ के रह जाता हूँ। लेकिन कभी कभी मेरा मन करता है कि भाई आऊं और आपके सवालों का जवाब दूं। तो मैंने कल एक कमेंट बॉक्स लिया था, उसमें पूछा था कि भाई आपके सवाल लिख दीजिए। आपने बहुत प्यारे प्यारे सवाल लिखे, लेकिन बहुत सारे सवाल लिखे। अब सारे सवालों का जवाब एक वीडियो में देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल है जो सच में इंपॉर्टेंट है और उनका जवाब देना बनता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपके सवाल का जवाब देते हैं। आपके लिए वीडियो बना रहे, लाइक जरूर कर देना। पहला जो सवाल है भाई साहब, ये पूछने वाले हैं रेनो के किट, पता नहीं क्या ही नाम है भैया, रेनोकेट, रेनो सी के वाई टी, जो भी है प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, लेकिन सवाल पढ़ लेता हूं। व्हाई आई एम नॉट एलिजिबल फॉर क्रिएटर अवार्ड्स, बाय द वे लव यू वीडियोस एंड यू। तो सबसे पहले तो भाई साहब आपको लव यू टू। और सवाल जो है आपका कि आपका टिक बटन मुझे दिख गया है, यानी 121,000 सब्सक्राइबर आपके पास हो चुके हैं, लेकिन क्रिएटर अवार्ड आपको नहीं मिल रहा है। देखिए क्रिएटर जो अवार्ड्स होते हैं ना, वो सिर्फ सब्सक्राइबर के बेस पे ही नहीं मिलते, उसके पीछे काफ़ी पॉलिसीज होती है, और जो वो पॉलिसीज होती है उनको भी पालन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सारी पॉलिसी के बारे में समझना है, क्रिएटर अवार्ड के बारे में पूरा समझना है, तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा भाई क्यों नहीं मिल रहा आपको अवार्ड। अब जो सेकंड सवाल है, ये लिखने वाले हैं किड्स बाइक, और सवाल क्या है, योगी भैया मेरा सवाल यह है कि मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं और मुझे गोल्ड प्ले बटन भी मिल गया है, अगर मेरा गोल्ड प्ले बटन डैमेज हो जाता है तो क्या मैं दोबारा से गोल्ड प्ले बटन ले सकता हूँ? पहले वाले को प्ले बटन नहीं मिल रहा था, इन भाई को गोल्ड प्ले बटन मिल गया, लेकिन भाई सब टूट गया। तो देखिए भाई आप दोबारा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार फ्री नहीं मिलेगा, पैसा लगेगा भैया, पैसा। और पैसा कितना लगेगा वो आप societyawards.com वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। आपको एक्चुअल में मेल करना पड़ेगा youtubecreators@societyawards.com पर। और हाँ एक चीज़, पैसा तो लगेगा ही लगेगा, और आपका चैनल दोबारा भी रिव्यू किया जा सकता है कि अब आपको अवार्ड मिलना चाहिए या नहीं। अब यहाँ पे तीसरा सवाल लिखने वाले हैं मेहुल मोहनिया, लिखते हैं आप लोग को सबसे पहले अपडेट कहाँ से लाते हैं? तो भैया ये अगर मैंने आपको बता दिया तो फिर आप वहीं से देख लोगे, मेरा वीडियो तो देखोगे ही नहीं। खैर जोक्स अपार्ट, देखिए अपडेट आने के लिए आपको खुद अपडेट रहना पड़ता है, तो मैं बहुत सारी जो टैक वेबसाइट्स है वो रेगुलर चेक करता रहता हूँ, यूट्यूब क्रिएटर इनसाइडर जो चैनल है वो भी चेक करता रहता हूँ। इसके अलावा भी कुछ ऐसी भी अपडेट्स होती है जो सबसे पहले मैं ही आपको देता हूँ, तो वो एक्सक्लूसिव अपडेट होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है, तो मैं आपको बता दूं अगर आपको नहीं पता है तो। मैं एक ऑफिशियल वीडियो कंट्रीब्यूटर हूं जो YouTube टीम इंडिया के साथ काम कर रहा हूं, तो कुछ अपडेट्स मेरे पास एक्सक्लूसिव आ जाती है, इस तरह से सब तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहती है। अब अगला जो सवाल है ये पूछने वाले ऑफिशियल लोकनाथ, पूछते क्या है, योगी सर बिफोर यू गॉट मैरिड डिड यू हैव एनी गर्लफ्रेंड, इफ यू सो व्हाट वॉज हर नेम प्लीज टेल, बिग फैन फ्रॉम उड़ीसा। अब भाई बिग फैन है तो भाई बताना पड़ेगा कि भाई साहब जो हमारी वाइफ है वही हमारी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड भी है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और वैसे भी यार खुद की गर्लफ्रेंड से शादी करने में ही मजा है, वरना दूसरों के गर्लफ्रेंड से तो आपके घर वाले भी करवा ही देंगे। अब अगला जो सवाल है ये पूछने वाले हैं आशीष गोंड 7, लिखते क्या है, AI बेस्ड ऑडियो वीडियो विल बी राइट फॉर यूट्यूब और नॉट। भाई ये AI का चक्कर बहुत तगड़ा चल रहा है, लोग बहुत तगड़े कन्फ्यूज हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, आप AI का यूज करके कुछ क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं और वो मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन आप चाहें कि आपका जो वीडियो है उसमें सब कुछ भैया AI कर दे, स्क्रिप्ट भी वहीं से ले लें, वीडियो भी वहीं से ले लें, इमेज भी वहीं से ले लें, वॉइस भी वहीं से ले लें, एडिट भी वहीं कर दे, कंप्लीट AI वीडियो बनाओगे तो मोनेटाइजेशन में पंगा हो सकता है। AI को यूज करके आप अपना कोई क्रिएटिव काम करें जिसमें आप भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, यूट्यूब एक ही चीज़ चाहता है, बस आप अपनी वैल्यू ऐड करें। अगर आप AI से कुछ वर्क करा लेंगे, कुछ अपना क्रिएटिव वर्क ऐड करेंगे तो मोनेटाइज हो जाएगा। अब अगला जो सवाल पूछने वाले हैं ये है भाई साहब NKK ऑफिशियल 3M, सवाल क्या है, मेरा एक क्वेश्चन है सर आपसे, क्या अगर एडसेंस में 6 महीने तक $100 पूरा नहीं होता है तो वो चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है, प्लीज पिक माई क्वेश्चन एंड लव यू टेक्निकल योगी सर। तो लव यू मेरे भाई, सबसे पहले तो
बात करेंगे कि 6 महीने का ये चक्कर है क्या, और ये सवाल आपके दिमाग में कहां से आया होगा, ये भी मेरे दिमाग में फिलहाल आ गया है। तो देखिए भाई, बात ये है कि अगर आप 6 महीने तक कोई भी अपने YouTube चैनल पर एक्टिविटी नहीं करते हैं, ना कोई कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं, ना कोई YouTube पर वीडियो डालते हैं, ना कुछ करते हैं, ना कोई लाइव स्ट्रीम करते हैं, मतलब कुछ नहीं करते, तो एक पॉलिसी है, पता नहीं वो काम करती भी है कि नहीं करती, लेकिन हाँ एक पॉलिसी है कि अगर आप 6 महीने तक अपने YouTube चैनल पर कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आपका जो एडसेंस है वो वहाँ पे कैंसिल हो सकता है, आपको YT जो YouTube पार्टनर प्रोग्राम है YPP वहाँ से हटाया जा सकता है, ऐसी एक पॉलिसी जरूर है। बट ऐसा नहीं है कि आप अपने YouTube पर भैया रेगुलर वीडियो डाल रहे हैं और आपके पैसे नहीं बन रहे एडसेंस में, $100 कम्पीट हो नहीं रहे, तो भैया उस कंडीशन में आपका चैनल डीमोनेटाइज नहीं होता है। अगर आपके एडसेंस में $100 बनने में 2 साल भी लग जाते हैं तो भी आपका डीमोनेटाइज नहीं होगा। वैसे यार 2 साल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, भले ही एडसेंस डीमोनेटाइज ना हो बट आप डीमोरलाइज जरूर हो जाओगे। तो भाई जल्दी जल्दी पैसे बनाओ, अच्छी अच्छी वीडियो डालो, चैनल को जल्दी जल्दी ग्रो कर लो। अब अगला जो सवाल है ये पूछने वाले टैक गुजराती 2.0। क्या पूछते हैं? सर गुजराती लैंग्वेज में यूट्यूब टिप्स टैक वीडियोज बनाना सही रहेगा क्या, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। तो देखिए भाई, आप अगर गुजराती हैं तो आप गुजराती लैंग्वेज में बना सकते हैं वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। इवन अगर मान लीजिए आप बंगाली होते या आप मान लीजिए मराठी होते तो भी आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में आप वीडियो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ एक थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि आपकी जो ऑडियंस है वो वही रहेगी जो उस लैंग्वेज को समझती है, बोलती है। अब मान लीजिए आपने मराठी लैंग्वेज में कोई वीडियो बनाया, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है आपका बट मुझे वो लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं है तो शायद मैं ना देख पाऊँ। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप उसमें इंग्लिश के सबटाइटल डाल सकते हैं तो शायद और जो भाषा वाले लोग हैं वो भी आपके वीडियो देख सकते हैं, वहाँ तक आपके रीच हो सकती है। बाकी आने वाले टाइम में MLA अपडेट पूरी तरह आ जाएगी तो भैया मल्टी ऑडियो भी आ जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रीजनल लैंग्वेज में आप चैनल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो सवाल है ये पूछने वाला है करमन गेमिंग 2004, और भाई साहब पूछते क्या है, योगी जी बेस्ट एडिटिंग ऐप कौन सी है फॉर एंड्रॉयड, प्लीज एक्सप्लेन। तो देखिए बेस्ट की बात तो जहां तक है ये है कि जिसमें आप एक्सपर्ट हो, जिस ऐप पे आप अच्छी एडिटिंग कर लेते हो वो आपके लिए हो जाती है बेस्ट। बट फिर भी अगर ओपिनियन आपको चाहिए तो अगर आप पेड लेना चाहते हो कोई ऐप तो किने मास्टर काफी बढ़िया है, जिसको लोग काइन मास्टर भी कहते हैं, पर ओरिजिनल नेम है किने मास्टर। और सेकेंड अगर आप फ्री में यूज करना चाहते हो तो VN एडिटर बहुत बढ़िया है। अब आप देखो आपको कौन सी करनी है। अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं DTH अपडेट हिंदी, और पूछते क्या है, सर क्या वॉच टाइम सिर्फ 365 डे का ही गिना जाता है या फिर लाइफ टाइम का गिना जाता है, प्लीज आंसर मी। तो देखिए सिंपल सी बात है, जो मोनेटाइज के लिए 4000 घंटे का वॉच टाइम काउंट होता है वो होता है लास्ट 365 डेज का। अब मान लीजिए भाई आपको चैनल बनाए हुए 3 महीने हुए हैं तो फिर 365 दिन का लगाओगे, 3 महीने में भी कंप्लीट हो सकता है, 9 महीने में भी हो सकता है। बस ये ध्यान रखें हमेशा लास्ट 365 डेज का ही काउंट होगा, लाइफ टाइम भी हो सकता है क्योंकि अगर मान लीजिए आपको हुए ही 300 दिन है तो लाइफ टाइम भी वही हो जाएगा। लेकिन जब भी आप चेक करें लास्ट 365 डेज वाला जो सेटिंग है वो करके चेक करेंगे एनालिटिक्स में, जो आपका वॉच टाइम होगा वही एक्चुअल आपका वॉच टाइम है जो मोनेटाइज के लिए काउंट किया जाएगा। अगला जो सवाल है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, पूछने वाले इमरान खान 133। सवाल क्या है, सर आपके हिसाब से लॉन्ग वीडियो में फायदा है या फिर शॉर्ट वीडियो में फायदा है? तो मैं तो ये कहूंगा दोनों में ही फायदा है, दोनों फायदे की चीज है लेकिन फायदे अलग अलग है। जैसे अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाते हैं तो आप हो सकता है जल्दी पैसा ज्यादा कमा सकते हैं, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो हो सकता है आपको रीच जल्दी मिल सकती है, दोनों अलग अलग चीजें। शॉर्ट में पैसा कम मिलता है, रीच ज्यादा मिल जाती है, लॉन्ग में रीच थोड़ा कम मिलती है, पैसे ज्यादा मिल जाते हैं। और भाई आपका लक बहुत तगड़ा है तो फिर सीधी सी बात है, फिर तो भाई साहब आप दोनों बना लीजिए, दोनों में आपको रीच भी मिल जाएगी और पैसा भी मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से दोनों ही बढ़िया हैं अपनी अपनी जगह। अब आप देखिए आपको पहले रीच चाहिए, पहले पैसा चाहिए, या फिर अगर आप दोनों बना सकते हैं तो आप दोनों भी बना सकते हैं। तो लो भाई ये वीडियो एक्चुअल में आपके लिए ही बनाया था, आपके कुछ सवाल थे जो हमने आपको आंसर किया, बाकी कुछ सवाल और भी थे लेकिन भाई वो बड़े बड़े सवाल थे जिनका आंसर 1-2 लाइन का ही है लेकिन सवाल बहुत बड़े हैं, तो उनका आंसर मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा। अगर ये कमेंट बॉक्स हमारा पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। चलिए मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।